शोकत, शोकत जी मार्केन। अरे किधर मर गए हो, जल्दी आओ। आया मार्केन। मार्केन वो बस कपड़े आपके निकाल के वो धोने लगा था। जाओ पहले पानी शानी लेके आओ, इतनी गर्मी में थकी आई हूँ। तुम्हें कोई ख्याल भी है? जी जी मार्केन, मैं लेके आया अभी ये मेकअप। पानी लेने गया, 15 मिनट लगा दिए। अच्छा खाने में क्या बना है? मालकिन खाने में तो अभी कुछ भी नहीं बना। क्यों भाई, 3 बज गए, खाने में अभी तक क्यों कुछ नहीं बना? मालकिन वो आज सब्जी वाले नहीं अभी तक आया। ओहो, तो कोई चिकन वगैरह पड़ा होता वो बना लिया करो ना, जो फ्रिज में चीज पड़ी। मार्केन कुछ भी नहीं पड़ा हुआ फ्रिज में, वो कल रात को साहब जी के दोस्त आए थे तो उनके लिए सब कुछ बना दिया। अच्छा कुछ पड़ा होगा घर में, कुछ तो पड़ा होगा। मार्केन पानी के अलावा कुछ नहीं पड़ा हुआ, नहीं तो मैं ले आता। तो सब्जी वाले ने कितने बजे आना है? वो तो मेरे ख्याल में छुट्टी भी है। अच्छा बारल कुछ भी करो, कुछ खाने के लिए लेके आओ, बहुत भूख लगी हुई है। मालकिन इधर से आप होटल का खाना खाती नहीं, उस दिन भी मैं लेके आया हूँ तो आप कहती हैं कि ये ठीक नहीं है, नमक तेज है, ये है वो है, फ्लावर इनका। अच्छा फिर अब कुछ खाने को नहीं मिल सकता, इसका मतलब है? मैडम आप ऑर्डर कर लेना। हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे ऑर्डर कर लेना चाहिए। मैडम एक बात पूछूँ आपसे, अगर बुरा ना माने? हाँ पूछो। अच्छा तो मैडम आप थकी हुई हैं? हाँ आज। तो मैडम ये कौन सी बड़ी बात है, अभी आपको ठीक कर देता हूँ। वो कैसे? बस आप इधर बैठे। अच्छा ओह बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। मैंने तो मैडम जी पहले ही कहा था मैं आपको 2 मिनट में ठीक कर दूँ, आप ऐसे टेंशन ले रही थी। सही कह रहे थे तुम शोकत, तुमने पहले तो कभी नहीं दबाया। मेम साहब आपने मुझे कभी कहा ही नहीं। पहले मैं कभी इतना थकी, तुमने तो आज मुझे फ्रेश कर दिया। आओ बैठो। जी मेम साहब। तुमने कभी अपने बारे में नहीं बताया शोकत। मैडम पहली बात तो ये कि आपने कभी पूछा ही नहीं, और दूसरा ये कि मैंने कभी बताना मुनासिब ही नहीं समझा, क्योंकि आप बड़े लोग हैं तो हमारी, आपको पता है गांव, हम गांव के लोग हैं और हमारी छोटी छोटी खुशी हैं बस, घर में मैं हूँ, मेरी माँ है और एक छोटा भाई है, हम तीनों ही रहते हैं बस। तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? वाले साहब की वफात हो गई है, 2 साल हो गए। उसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। तो तुम घर में बड़े हो? जी मेम साहब मैं घर में बड़ा हूँ सबसे। और मैडम मेहरबानी आपकी कि आपने मुझे इतनी कम एज पे अपने पास काम पे रख लिया, वरना कौन रखता है? 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे को कोई भी काम पे नहीं रखता। और मैं जब आपके पास आया था मेरी उम्र लगभग 14 साल के करीब थी, और आपने मुझे जॉब दी, मैं उसके लिए भी आपका एहसान मंद हूँ। अरे नहीं नहीं शौकत, कोई ऐसी बात नहीं है, हम इंसान ही इंसानों का दुख नहीं समझेंगे तो कैसे कैसे चलेगी ज़िंदगी। लेकिन मैडम एक छोटा सा मसला भी आ रहा है। वो क्या? मेरी माँ मुझे गांव बुला रही है और मेरी शादी करना चाहती है। हाँ तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। मैडम जी खुशी की बात कैसे हुई, आपको पता तो है कि उनके सर पे सिर्फ मैं हूँ और दूसरा भाई छोटा है, तो वो अभी कुछ कमा भी नहीं सकता। अगर मेरी बीवी ऐसी ऐसी निकल आई तो मेरी माँ बूढ़ी है, वो तो सड़कों पे धक्के खाएगी। नहीं नहीं शौकत ऐसे नहीं होता, जो आएगी वो तुम्हारी वालदा तुम्हारे भाई का ख्याल रखेगी। लेकिन मेरा इस दुनिया से यकीन उठ चुका है मैडम, मैंने
दुनिया देखी है, वो दौर नहीं रहा जो था। तुम उसे अच्छे से समझा दोगे तो अच्छे से रहेगी तुम्हारे घर में। और पगले अगर ना समझे ना तो मेरे पास ले आना, मैं समझा दूंगी उसे। क्या सच में मैम? हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। थैंक गॉड, आपने तो मेरा आधे से ज्यादा मसला हल कर दी। ठीक है, अभी टाइम काफी हो गया तो मैं ही आपके लिए बाहर से कुछ पकड़ लाता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं क्या खाएंगे आप? बिरयानी। बिरयानी, ओके मैम। ओके, ये भी पगला है।